कहने को तो एक साल होता ये आंकने के लिए कि वाकई सरकार में वो सब कुछ कर पा रही है जो उसने वायदा किया है, लेकिन हाँ लक्षण दिखने लगते हैं। योगी सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उपलब्धियां कई हैं जिन्हें गिनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित ही नहीं किया बल्कि अपने पूरे कैबिनेट के जरिए उसे प्रदर्शित करने की कोशिश भी की। आज योगी कैबिनेट के तीन वरिष्ठ मंत्री ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी हैं और मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। मैं आग्रह करता हूं कि आप सब बस 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपने अपने विभाग के साथ साथ सरकार की जो प्रमुख उपलब्धि आपको लगती है वो उसके अंकित करें। ब्रिजेश जी, शुरुआत आपसे, माइक। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गत 19 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में तय किया था अनौपचारिक बातचीत में कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमों का बड़ा बोझ है उसको हमें कम करना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। 100 से अधिक पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के, 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीज़न, 300 पद सिविल जज जूनियर डिवीज़न के सृजित करने के साथ ही साथ 110 नई पारिवारिक अदालतों का भी गठन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अतिरिक्त 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी माताओं बहनों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार होते उनको शीघ्र न्याय दिलाने के लिए किया। इसके अलावा 25 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट SC/ST समाज पर अत्याचार अनाचार लेकिन शीघ्र न्याय नहीं मिलता जी, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें हमारे उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए मंडल स्तर पर 13 नई कमर्शियल कोर्ट्स का भी स्थापना किए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो विभिन्न स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायपालिका के क्षेत्र में मुकदमों का बोझ समाप्त करने के लिए और लोगों को लगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में न्याय सुलभ है गरीबों को, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको कि दूसरा जो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग है जी, पहले उत्तर प्रदेश राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ना की गिनती के बराबर गिना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न वैश्विक सम्मेलनों में कार्बन उत्सर्जन पर अपनी चिंता जताई और भारत का जो जिम्मेदारी है, भारत का जो दायित्व है, उसके तहत उन्होंने 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य सोलर एनर्जी वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक नई सौर ऊर्जा नीति 2017 नई पॉलिसी बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जिसमें हमने 10,700 मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा जी। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि 1000 मेगावाट पावर परचेज का टेंडर हम अप्रैल माह में करेंगे। मुझे लगता समस्त औपचारिकता पूर्ण होकर ये अप्रैल से मई तक हम सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे जी। और मुझे बताने में भी प्रसन्नता है कि पहला जो हमारा सोलर एनर्जी का पावर प्लांट था 75 मेगावाट का, मिर्जापुर जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने अभी उसका उद्घाटन किया, जिसकी विद्युत हम सबको मिलने लगी है, ग्रिड पे जा रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और जिसमें 6,400 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हम लोगों ने सोलर रूफटॉप के माध्यम से रखा है। हमने सभी लोगों से अपील की, हमने ग्राम प्रधान, हमारे BDC सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रमुख, जो भी प्रदेश के थे, सभी को हमने, माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को, स्वयं हमने पत्र लिखा कि इसको आप एक मूवमेंट की तरह चलाएं, सब लोग अपने घरों पर सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत उत्पादन करें और अपनी अतिरिक्त बची हुई ऊर्जा को हमारे ऊर्जा विभाग को बेचने का काम करें। इसके साथ ही साथ आप विद्युत अपनी लिए बनाएंगे तो हो, लेकिन बनाने के साथ साथ आप कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और इसके तहत अतिरिक्त बिजली बनाकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। हमने विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की, स्टेक होल्डर्स को बुलाया, हमने लगातार सबसे विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से कहा, सेमिनार्स में कहा जी, कि हम घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी हम खरीदते हैं, TV लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, किचन के लिए ओवन लेते हैं, मोबाइल्स लेते हैं और सभी की कीमत 50,000 के लगभग, 1,00,000 के लगभग होती है। मैंने कहा कि सोलर पैनल एक ऐसा है कि अगर आप
पैसे लगाकर खरीदते हो तो 25 साल तक आपको पैसे कमा करके वो देता है, और साथ साथ समाज के लिए पर्यावरण के दृष्टि बहुत बड़ा योगदान आपका होता है। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों में आप सड़क के किनारे कभी आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पान की दुकान पर किसी किसान के घर पर सोलर पैनल टंगे मिल जाएंगे। उसके माध्यम से लोगों ने विद्युत उत्पादन करना शुरू कर दिया है, और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग एक नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हासिल करेगा। बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने रेखांकित की हैं, इस पर कई सवाल भी हैं जो हम आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे, लेकिन स्वतंत्र जी पहले आपसे सुन लें कि परिवहन मंत्रालय में आप क्या क्या नया कर रहे हैं, और उसके साथ साथ योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लग रही है एक साल में? अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर बुलाने के लिए। अभी माननीय ब्रिजेश जी ने विषय रखा है जी, राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पिछले 15 सालों से इस राज्य को लोगों ने लूट रहा है। माननीय योगी जी का शपथ लेते ही भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर कंट्रोल लगा है, और आप देख भी रहे हैं कानून व्यवस्था के कारण किसी गांव में हम चर्चा करेंगे, हम लोग करते भी हैं, किसी गांव में हम जाते हैं यदि पूछते हैं कि क्या स्थिति है तो लोग कहते हैं आज चैन से अपने दुकान पर और चैन से हम लोग बैठ ले रहे हैं, नहीं तो पहले यह स्थिति थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर अंकुश करने के लगने के कारण अपने आप व्यवस्था नीचे चलती हैं, और किसानों का महत्व, किसानों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एक योजनाओं माननीय योगी जी के नेतृत्व में लागू हुआ है, गिनाने के लिए तो घंटों लग जाएगा लेकिन जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग पहली बार राज्य के अंदर जो लोक कल्याण संकल्प हमारा था उसमें गांवों को जोड़ने का संकल्प था, मोदी सरकार का था कि गांवों को सुविधाएं मिले जी, जिसके कारण एक साल के अंदर 8600 गांवों को जहां पर असुविधा थे, जहां पर बसें नहीं जाती थी उन गांवों को जोड़ा, और 2022 तक सभी गांवों को जोड़ने का संकल्प योगी सरकार ने लिया है। इसके लिए 50 अभी बसों ने संकल्प बसें अभी बसों प्रारंभ किया बस प्रारंभ किया है, और 650 बसें जी, और 250 CNG और 100 AC बसों का भी टेंडर हो चुका है, जिसके कारण सभी गांवों का जोड़ने का कल्पना ये हमारे सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला राज्य ऐसा है कि परिवहन विभाग हमेशा घाटे में रहता है, पहली बार देश के अंदर 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, मतलब आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार परिवहन विभाग ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, और देश के अंदर ये पहला राज्य है जिसके निर्भया फंड के माध्यम से 50 पिंक बसें लेंगे और 12,500 बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, और जिसको गृह मंत्रालय से जोड़ा जाएगा कि किसी यात्री को असुविधा ना हो और कठिनाई ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय राज्य ने लिया है। और एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया सबसे बड़ा कि 11 राज्यों से करार, ये पहली बार हुआ है जहां पर करार 15-20 सालों से दबे हुए थे, तो 11 राज्यों में से हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड मेरा समझौता हुआ है, और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से भी अब लखनऊ से बसों का संचालन, ऐसे 4 सड़कों से अंतर्राष्ट्रीय समझौता किए हैं। और प्रथम बार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर ये सब से 3300 एप्लीकेशन आए थे, मतलब शिकायतें थी, जिसमें 3100 का निस्तारण हुआ। ऐसा निस्तारण जैसे किसी कोई किसी ने फोन किया कि मेरा लैपटॉप बस में छूट गया जी, तो लखनऊ में फोन किया तो उसको सीतापुर में उपलब्ध हुआ, किसी महिला का पर्स छूट गया तो उसको वहां छूट हुआ। और भ्रष्टाचार स्वच्छ प्रशासन देने के लिए RTO ऑफिस जाना न पड़ा, पहली बार राज्य के अंदर Sarathi 4 Vahan 4 यानी जिसकी किसी को लाइसेंस बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सब NOC लेना है, तो अब उनको RTO ऑफिस न जाना पड़े, इसीलिए ये Vahan 4 और Sarathi 4 राज्य के सभी जिलों में यानी 76 जिलों में सभी जिलों में ये लागू हो गया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आज लागू हो गया। ई चालान ऐसी व्यवस्था है कि गाड़ी का यदि चालान हो गया जी, तो मेरे भी फोन से नहीं छूटने वाला है, यानी जो डिजिटल एक सिस्टम था लागू करने के लिए रोड पर, और राज्य में जिस प्रकार का जबरदस्त स्थिति खराब थी और डग्गा मारी ये सब, जिसके कारण आज परिवहन प्रॉफिट में है, और ये सब पर RTO ऑफिस ये सभी पर बहुत कंट्रोल किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। बहुत धन्यवाद।
आपने कानून व्यवस्था और उसके साथ साथ कई मुद्दे उठाए, उन पर कुछ एक आंकड़े अब मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जब उप मुख्यमंत्री जी थे उनके साथ भी बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो आंकड़े अभी प्रस्तुत नहीं कर पाए, अब करूंगा, फिर आपका जवाब लूंगा। राजा साहब, जिस तरह से आज अल्पसंख्यकों को लेकर पूरे प्रदेश में एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपने पूरे प्रदेश को ही भगवा में रंग दिया है, हज हाउस को भी नहीं छोड़ा। देखिए अजय जी, पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से अपने प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूं जी कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जो उन पर विश्वास करके जनता ने विकास के मुद्दे पर 14 की सरकार बनाई और उसी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में 2017 में प्रचंड बहुमत देकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और जिस तरह से तेज़ी से सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करना शुरू किया, उसके दो तीन उदाहरण मैं रखना चाहता हूं जी कि अगर आप बात करें तो 1947 से आज तक, जब से मैंने अपना यहां मंत्रालय संभाला अल्पसंख्यक कल्याण का और अल्पसंख्यक विभाग के और भी जो डिपार्टमेंट्स थे उनको देखा, तो मैंने तो कोई विकास कार्य देखा ही नहीं था। और 1947 से आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि जो तमाम देश के मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था, वो लोगों ने क्या किया इनके साथ में, इनको इतना ठगा गया और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में इनका विकास हो रहा है, इनको लेकर चिंता हो रही है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की बात हो रही है, यहाँ स्कूलों में जो मदरसे हैं उनको आधुनिक करने की बात हमारी सरकार ने की, योगी सरकार ने की, और आधुनिक किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, इनके कैसे इनको देश की मेन स्ट्रीम से और प्रदेश में मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, इनका शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर किया जाए, कैसे इनको जो है रोजगार की दिशा में, चाहे आप आदरणीय योगी जी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जी, ये एक ऐसी योजना उन्होंने शुरू की है जो अपने आप में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये सवाल मैं आप तीनों के सामने रखना चाहता हूं, आप से जो उसे उचित समझे बताएं। सत्ता संभालने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया और कहा गया कि बहुत जरूरी है कि बहु बेटियों को बहुत सुरक्षित रखा जाए और यह वाकई में लोगों के लिए मुफीद एक रास्ता होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड आज क्या कर रहा है शायद आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि एक साल के भीतर शुरू के 3 महीने यही एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई दिया, 400 के आसपास लोगों को जेल में रखा गया या फिर बाहर निकाला गया, तकरीबन 600 मामले दर्ज किए गए और पिछले 9 महीने में एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। बहु बेटियां सुरक्षित हो गई क्या? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गत सरकार में यानी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जी सड़क पर हमारी बहु बेटियों का, बुजुर्गों का, व्यापारियों का, किसानों का निकलना मुश्किल हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम अपनी बहु बेटियों को, आम जनमानस को सुरक्षा देंगे। उसके तहत पहले ही कैबिनेट में एंटी रोमियो स्क्वाड गठन की बात कही गई थी जो विभिन्न थाना स्तर पर थी, उसके लिए अलग से कोई बल का गठन न करके थाने स्तर पर ही किसी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी देकर पुलिस को लगाया गया था। आज आप देखते हैं कि हमारी बहु बेटियों पर अत्याचार अनाचार, उनको जो छींटा कसी होती थी स्कूल के बाहर, डिग्री कॉलेज के बाहर, उनको निकलना मुश्किल था, स्कूल जाना उनके जहां वो कार्य करते हैं वहां दिक्कत थी, आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं। मैं कह सकता हूं, आप आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब, मैं आज सुबह की बात करना चाहता हूं। पिछले एक हफ्ते, पिछले 3 दिन में 2 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि फप्तियां कसी जा रही थी, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं पूरी बात आपको स्पष्ट कर दूं जी, गत सरकार इस सरकार में अंतर आप समझ लीजिए। गत सरकार में हमारी बहनों पर, हमारी माताओं पर, हमारे व्यापारियों पर, किसानों पर अत्याचार अनाचार होता था, FIR नहीं लिखी जाती थी जी, थानों पर अपराधी कब्जा करके बैठे थे, हमारा पुलिस बल का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, टूट चुका था, सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर CO इवन देन पुलिस अधीक्षक तक को समाजवादी पार्टी के लोगों ने घुसकर थानों में पीटा था। इसकी घटनाएं आपके फुटेज में होंगी, आप निकालेंगे तो मिल जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वर्कर, एक साधारण हमारा बूथ से कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक का वर्कर, कोई भी आपको थाने में किसी अपराधी के समर्थन में खड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं कह सकता हूं। और मैं कह सकता हूं, मैं आपको बता दूं,
जो घटनाएं हैं दुखद हैं, हमें उसकी चिंता है, एक भी घटना समाज पर कलंक। अच्छा ब्रजेश जी, अगर आप जो कह रहे हैं, मैं आपको पूरी बात बता दूं, मैं आंकड़े, अच्छा चलिए आपने कहा, मैं आंकड़े बता दूं जी, कल की घटना मैं बताता हूं जी। लखनऊ में कल अखबारों में छपा होगा, परसों एक बच्चे को, ला मैटिनियर के बच्चे को कुछ लोगों ने उठा लिया जी। हमने पुलिस कप्तान से, लखनऊ के डीजीपी महोदय से, प्रमुख सचिव गृह से अनुरोध किया कि बच्चे को 2 घंटे में हमें चाहिए, ये हमारे लखनऊ पर कलंक है। मैं लखनऊ पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ, उन लोगों ने सीतापुर जाकर के बच्चे के अगवा करने वालों को पकड़ा ही नहीं, उनको पीछा किया और पूरे सीतापुर और लखनऊ की पुलिस लग के पूरे गांव को घेर करके उसको लेकर आए मौके पर, हमारा बच्चा। उन लोगों ने लखनऊ से सीतापुर के रास्ते में उसको 5 इंजेक्शन बेहोशी की दिए थे, और मैं कहता हूं बच्चा बचा है, नहीं, इस पे कोई शक नहीं है कि वो उन लोगों को, मैं बता दूं जी, उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और जांच चल रही है। मैं आपको, मैंने कल इस बात को विधानसभा में भी कहा था, नहीं आपने, हमारी सरकार को बदनाम करने के इरादे से, कुछ लोगों ने दुरभिसंध कर रखी है, उन लोगों के खिलाफ ऐन मौके पर कुछ ना कुछ ऐसा डेंट हमें दे जिससे समाज में सरकार की छब धूमिल हो। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों से जो गठजोड़ है उसको हम तोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बिल्कुल सही होगी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये आप ही के सरकार के द्वारा दिए गए गृह मंत्रालय को आंकड़े हैं जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। छेड़खानी के मामले पिछले सरकार में सत्ता संभाल, जो उसके सत्ता से पहले 495 दर्ज किए गए छेड़खानी के मामले, आपके सरकार में पिछले 8 महीने का आंकड़े हैं, क्योंकि जनवरी तक का ही आंकड़ा, उसके बाद का नहीं है, 987, यानी कि सीधे डबल हो गया, 492 मामले ज़्यादा दर्ज हुए। बलात्कार के मामले 776 ज़्यादा दर्ज हुए, दहेज मृत्यु के मामले 140 ज़्यादा दर्ज हुए, महिला उत्पीड़न के मामले 3173 ज़्यादा दर्ज हुए, कुल मिलाकर 11208 मामले हैं जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों से जुड़े हैं, जो आपके पिछले 8 महीने के आंकड़े हैं बताते हैं कि ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले। अब कहाँ इसमें फ़ायदा हुआ बताइए, पूरा बात आपको बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ, हमें लगता कहीं कन्फ्यूजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार गठन के पहले दिन कह दिया था कि 100% FIR दर्ज होगी, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे। जहां तक बहनों पर अत्याचार अनाचार का सवाल है, यही सत्ता दल के लोग, उनके समर्थन से लोग सड़क पर हमारी बहनों को निकलना मुश्किल किए थे, यही लोग जाकर के उनसे छेड़खानी करते थे और सत्ता दल के लोगों का उन्हें समर्थन और आशीर्वाद मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100% FIR कराई है, कहीं कोई कोताही नहीं, भले ही कितना बड़ा पावरफुल लोग हो, हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं है, FIR का आंकड़ा इससे भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपराधियों को उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद करना, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना हमारा काम है। रजा साहब, ये इस सवाल का बताइए आप, जिस तरीके से ये जो पूरा एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आई थी, उस 3 महीने में पूरा कवरेज, आपको समाचार कवरेज याद होगा, जिस तरह से वहां पर, यहां तक कि हिंदू वाहिनी के लोगों की बात भी आई थी मेरठ में, और वहां पर जबरन एक तरह से नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, अल्पसंख्यक समाज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, क्या वो गलत था? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जब विकास तेजी से हो रहा होता है प्रदेश में या देश में, तो जो विरोधी दल होते हैं, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अगर ये कहें कि आप जनता के सामने साहब आप अपनी सरकार की डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं ये हकीकत मैं बयान कर रहा हूं कि अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, सरकार विकास कार्य कर रही है और कोई भी चीज आपके सामने ऐसी नजर आपको नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपने जो प्रचलन से सरकार चलाई थी पहले, जो आपकी प्रवृत्ति रही है, उस तरह की चीजें तो आती रहेंगी। और वो जो ऐसा कि अभी ब्रजेश जी ने कहा कि हम उस पर लगाम लगाते रहेंगे, किसी तरह की किसी को छूट नहीं दी जाएगी कानून हाथ में लेने की, लेकिन हम ये जरूर मानेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही, उसके लिए अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए किसी के पास, विकास कार्यों को लेकर अब एक उनके पास एजेंडा है ले देकर, वो उस एजेंडे पर जाना चाहते हैं क्योंकि उसका फायदा उनको मिलना है। हम तो सबका साथ सबका विकास पर राजनीति करते हैं, तो हमारी तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति सर चढ़ के बोल रही है, विश्व में बोल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बोल रही है। तो ये बताइए, जो बूचड़खाने बंद कराने की नीति थी जिसे लेकर एक बार फिर बहुत जबरदस्त शोर शराबा मचा था, उस पर आज कोई चर्चा नहीं होती। वो तमाम लोग जो उस वक्त बेरोजगार हुए थे, उन्हें रोजगार दिलाने की क्या व्यवस्था करवा पाए आप, और किस तरह से आज उन लोगों को वापस सिस्टम में आप ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना गया कि ये पूरी की पूरी नीति के पीछे सिर्फ अल्पसंख्यक विरोध था और कुछ नहीं, ये बात सामने रखी गई। नहीं, अजय, अगर आप ये बात कर रहे हैं जी, अल्पसंख्यक विरोध क्यों होगा, हम तो हर गलत काम का विरोध कर रही है हमारी सरकार, हर कोई गलत काम हो समाज में हम उसका विरोध करते हैं, और जो अच्छा काम हो उसकी सराहना करते हैं, हम विकास के लिए सरकार बनाकर आए,
प्रदेश की जनता की सुरक्षा और उनके रोजगार और विकास और जिन लोगों के रोजगार उस समय गए आपको लगता है वो सही गए और आज उनके पास नौकरियां नहीं है काम नहीं है बिल्कुल सही है? आप बूचड़खाने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी अपनी बात है, इसको उससे मत जोड़िएगा। मेरा मानना यह है बूचड़खाने अगर आप इस नाम पर चला रहे थे कि साहब हमारा रोजगार है तो गलत तरीके से आप रोजगार कर रहे थे। पिछली सरकार आपको समर्थन कर रही होगी, हमारी सरकार ना किसी को समर्थन किए गलत काम पे ना करेगी। आप नियमानुसार आ जाइए।